भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई द्वारा फिल्म आदि पुरुष की फ्री स्क्रीनिंग का आयोजन मुंबई स्थित चांदिवली में महामंत्री प्रवीण भानुशाली के नेतृत्व में आयोजित किया गया। इस दौरान 300 युवाओं ने फिल्म आदि पुरुष को सिनेमा हॉल में देखा। फिल्म आदि पुरुष की स्क्रीनिंग के दौरान मौजूद रहे भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष तेजिंदर सिंह तिवाना ने जय श्री राम के नारे लगाए। प्रवीण भानुशाली के हाथों में भगवान हनुमान की तस्वीर इस दौरान सिनेमा हॉल में एक सीट भगवान हनुमान के लिए बुक की गई थी, उसी पर भगवान हनुमान की तस्वीर रखकर माल्यार्पण किया गया। पेश है मुंबई से हमारी खास रिपोर्ट। पीछे सबको मिलते हैं, कहाँ जाएंगे ग्रुप मिलेगा। अभी तक आप सभी ने हिंदी फिल्मों के माध्यम से हिंदू विरोधी स्वरूप ही देखा था, लेकिन कश्मीर फाइल्स और केरला स्टोरीज इन फिल्मों के माध्यम से सही मायने में हिंदू हितों की चिंता ये सब लोगों के समक्ष और सामने आई है। आदि पुरुष ये रामायण से प्रेरित एक फिल्म है जो हम आज भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के माध्यम से हमारे महामंत्री श्री प्रवीण भानुशाली जी के माध्यम से आज चांदिवली विधानसभा में मैक्सिस सिनेमा में हम ये मुंबई के खासकर युवाओं को, जो नेक्स्ट जनरेशन युवा है, इनको दिखाने जा रहे हैं। और ये फिल्म देखने का उत्साह जितना उनमें है उससे कहीं ज्यादा मुझमें है। फिल्म ओम राउत ने डायरेक्ट की है और ओम राउत इसके अपने तानाजी जैसी कमाल की फिल्म बना चुके हैं और इस फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफें हो रही है, तो कितना खुश हो रहे हैं आप लोग या कितनी बढ़िया बात है ये? देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक फिल्म की बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम सनातनियों के, हम हिंदुओं के आस्था का विषय है और हम सब युवा उतने ही उत्साहित है कि हम जो रामायण के स्वरूप की ये फिल्म आज हम देखने जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नेक्स्ट जनरेशन का एक झलक वो हम सभी को ये फिल्म के माध्यम से, जानकारी के माध्यम से देखने मिलेगी, यही उत्साह हम सबके अंदर है। कहाँ कहाँ स्पेशल स्क्रीन चल रही है इसके अलावा अगर बता सके, या आज के बारे में कितने लोग आ रहे हैं यहाँ पे ये बता सके? आज हमारे समक्ष 300 से भी ज्यादा ऐसे युवक और युवतियां मुंबई के, वो हम साथ बैठकर आदि पुरुष ये फिल्म देखेंगे और मुंबई में विविध ठिकानों पर हम अपने माध्यम से इसकी स्क्रीनिंग भी कराएंगे, ये हमें आप सभी से अपेक्षा है। और इस फिल्म को लेकर एक सीट सिर्फ हनुमान जी के लिए, प्रभु श्री हनुमान जी के लिए रखी गई है हर एक थिएटर में, तो यहाँ पर भी आप ये सुनिश्चित रखेंगे कि ये ऐसा हुआ है या करने वाले? बिल्कुल, फिल्म शुरुआत होने से पहले आप देखेंगे कि हमारे मुंबई युवा मोर्चा के महामंत्री श्री प्रवीण भानुशाली जी स्वयं हनुमान जी की तस्वीर लेकर जो फ्रंट सीट है वहां पर उनको आसनस्थ करेंगे
और कहीं ना कहीं पूरी पिक्चर हम सब उनके साथ बैठ के देखेंगे, यही हमारी आस्था है। आखिर में क्या कहेंगे जो जनता है, जो जिन्होंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है, क्या मैसेज रहेगा युवाओं को, क्या मैसेज रहेगा इस फिल्म को लेकर? देखिए, पहले तो मैं फिल्म खुद स्वयं देख लूं, उसके बाद मैं सही मायने में मैसेज दे पाऊंगा। लेकिन जब जहां पर आस्था का सवाल आता है तो मैं सभी से अपील करूंगा कि एक बार कम से कम सभी सनातनियों को, सभी मुंबईकरों को, सभी महाराष्ट्र की जनता को, पूरे देशवासियों को ये फिल्म देखने आगे आना चाहिए, ये राय मैं सभी युवाओं को दूंगा। आगे किस तरह की स्क्रीनिंग हो रही, कहां कहां हो रही है, अगर बता सके आपकी, आप लोगों की तरफ से? अभी मुंबई युवा मोर्चा की तरफ से आज चांदौली विधानसभा में मैक्सिस सिनेमा में ये स्क्रीनिंग रखी गई है और आने वाले दिनों में मुंबई के विविध जिलों में, सभी मंडलों में, जहां जहां पर भी सिनेमा हॉल्स में ये पिक्चर लगी है तो वहां पर स्क्रीनिंग का प्रबंध ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं की तरफ से किया जाएगा। जी 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 जी। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के यशस्वी अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह दीवाना जी के नेतृत्व में हमने चांदौली विधानसभा में आदि पुरुष पिक्चर की पहली स्क्रीन रखी है। हम पूरी मुंबई में युवा मोर्चा की ओर से हर जिले में, हर विधानसभा में स्क्रीनिंग रखने का प्लानिंग कर रहे हैं। आज तक देश के युवा हो या मुंबई के युवा हो, औरंगजेब और अकबर की कहानी सुनी है, सही मायने में सनातन धर्म और हिंदू धर्म की पिक्चर दिखाना कहीं ना कहीं बॉलीवुड कतराता था, तो आज ये पिक्चर आदि पुरुष हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के कहीं ना कहीं जीवन गाथा पे है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई का हर युवा ये पिक्चर देखे। और क्या क्योंकि फिल्में काफी हद तक बच्चों को भी बहुत प्रेरित करेगी, तो क्या आप उस तरह की भी स्पेशल स्क्रीन रखने का प्लान कर रहे हैं कुछ? हम लोग आज से ही कोशिश कर रहे हैं कि युवाओं के साथ, उनके मम्मी पप्पा के साथ बच्चे भी आए, जो बच्चे सही मायने में उनको सनातन धर्म की सीख मिले ये पिक्चर के माध्यम से। क्या मकसद है और आगे किस तरह से आप इसे लेकर जाना चाहेंगे? हमारा मकसद है समग्र देश के अंदर, समस्त हिंदुस्तान में और मुंबई के युवाओं में सनातन धर्म का एक मैसेज जाए। जी, और फिल्म को लेकर बहुत अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है पूरे इंडिया में, उस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तक तो हमने पिक्चर देखी नहीं है, मगर सही मान्य में ये सनातन धर्म के ऊपर एक पिक्चर है, भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के ऊपर एक पिक्चर है और ये पिक्चर समस्त देश के अंदर लोकप्रिय होगी और काफी ज्यादा चलेगी। इसके आगे कौन कौन सा फंक्शन आपका होने वाला, इससे जुड़ा हुआ आज के बाद? हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के अध्यक्ष तेजेंद्र भाई के नेतृत्व में समग्र मुंबई में हर एक विधानसभा में ये पिक्चर की स्क्रीनिंग रखने का प्लानिंग कर रहे हैं। शुक्रिया। Thank you, sir. Thank you, sir.